नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। खबर आगर मालवा से आ रही है, जहां पर किसानों को सस्ते दामों पर मिलने वाला खाद और कीटनाशक अब अमेजन पर करीब 20 गुना ज्यादा दाम पर मिलेगा। अमेजन ने इसकी ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दी है। चौकी नहीं, अमेजन पर 1 किलो यूरिया खाद की कीमत 150 रुपए के आसपास है। किसानों के सामने खेती के खर्च अब और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि बहादुर सिंह आगर मालवा जिले के आवर गाँव में अपने परिवार की करीब 10 बीघा की खेती करते हैं। इसी से बड़े परिवार का बड़ा खर्च पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस बार 10,000 क्विंटल के सोयाबीन का बीज बोया, लेकिन जब खेत में देखा तो पूरा अंकुरित नहीं था। खेती में बीज, खाद, मजदूरी, कटाई, निंदाई और जुताई के खर्च के अलावा बहादुर सिंह की चिंता अब एक और बढ़ गई है। अमेजोन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने बहादुर सिंह की मुश्किलों को बढ़ाते हुए खेती के खर्च में इजाफा कर दिया है। बहादुर सिंह का मानना है कि पहले की खेती में नुकसान कम नहीं था, जो अब ऑनलाइन मिल रहे यूरिया खाद के दामों ने उनकी नींद उड़ा दी है। इसी गाँव में महेंद्र सिंह कुटुम्ब परिवार के साथ 10 बीघा से ज्यादा जमीन पर उन्नत खेती करने की कोशिश करते हैं। स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी करते हैं, खेती में नई जानकारी लेते रहते ऑनलाइन मिल रहे यूरिया खाद के दाम देखे तो महेंद्र सिंह के चेहरे की हवाइयां उड़ गई है। करीब 150 रुपए किलो का यूरिया खाद महेंद्र सिंह के अलावा गांव के अन्य किसानों के लिए एक नया बोझ है। महेंद्र सिंह कहते हैं कि सोसाइटियों में अगर समय पर और पूरा खाद सरकार उपलब्ध करा दे तो बाजार की कालाबाजारी के साथ साथ किसानों के लिए दामों में भी राहत रहेगी। परेशानी केवल बहादुर और महेंद्र की नहीं, इनके जैसे हजारों किसानों के साथ चिंता की लहरों में डूबे हैं। सोसाइटियों से मिलने वाला खाद पहले ही ना काफी होता है, जरूरत का खाद पूरा करने के लिए बाजार का मुंह देखना पड़ता है, जहां से उनको दुगने दाम में खाद भी उपलब्ध हो पाती है। सरकारी सिस्टम में जो खाद मिलता है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही रहता है। दिक्कत है कि केवल किसानों की ही नहीं व्यापारियों की भी है। नरेंद्र गुप्ता आगर में करीब 25 सालों से खाद का व्यापार करते हैं और सुरक्षा का भाव उनके चेहरे पर साफ नजर आने लगा है। जिनकी क्षेत्रों में यूरिया खाद की उपलब्धता सरकार ने वैसे ही सीमित पर रखी है और अब जब यूरिया की उपलब्धता ऑनलाइन हो जाएगी तो बचा कुचा व्यापार भी चौपट हो जाएगा। ऑनलाइन मिलने वाले खाद की कीमतें नियंत्रण के बाहर है। खाद जैसे वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आती है, मगर सरकार की खाद और कीटनाशक की ऑनलाइन बिक्री पर चुप्पी किसानों के लिए परेशानी सबक बन जा सकती है। तो रोडू दा, कहीं हालचाल आपके खेती का? अपने खेती तो नहीं के बराबर हेल कर। क्यों? तो ये बहुत और ये न्या है, ऐसी वही अड़ी है। बिजवारा पूरा उगा नहीं होगा? बिजवारा तो उग गया, पानी नहीं पड़ी जो भी सब फूक गया था, पीड़ा पड़ गया था। अच्छा, उगा पूरा नहीं। हाँ, क्या भाव मिल गया था बिजवारा इस बार? बिजवारा तो घर को था, घर का था आपके। महेंद्र सिंह जी, आप आवर रहते हैं? आवर रहते हैं। कितनी खेती है आपकी? 100 बीघा की खेती है। अच्छा, तो आप संयुक्त परिवार में हैं? हाँ। तो महेंद्र सिंह जी, आप बताओ कि ऑनलाइन अब अवेलेबल होने लगा है खाद, किस तरह का आप इसमें परेशानी देख रहे हैं? सर, ऑनलाइन 135 रुपये किलो मिलता है और वो महंगाई बढ़ रही है। सोसाइटी में 300 रुपये की बोरी मिलती है 45 किलो की, और ये 135 रुपये का ऑनलाइन मिलता है। तो ऑनलाइन बंद कर देना चाहिए, सोसाइटी से ही खाद खरीदें। किस तरह की लागत बढ़ेगी आपकी या खर्च बढ़ेगी? अभी कितनी लागत आती है और नुकसान क्या रहेगा? अभी 10,000 रुपये कुंटल भिजवा रहा है, हकई, बोवई, कटाई, निंदाई और ये खाद बीज के भी पैसे इतने बढ़ गए कि खेती में कुछ भी नहीं बचता है, सब माइनस में जा रहे हैं। किसान कुछ भी नहीं कर सकता है, सब काट बाट के बेचेगा तो उसको मिलना कुछ नहीं है, सब माइनस ही है। तो आप क्या चाहते हैं? ये ऑनलाइन का बंद कर देना चाहिए, ऑनलाइन जो चीज़ें मिल रही है महंगी, ये बंद कर देना चाहिए। 135 रुपये किलो खाद क्या होता है? जो 300 रुपये में बोरी मिलती है 45 किलो की सोसाइटी से, वो सब्सिडी के भी मिलती है, सरकार को वहीं से देनी चाहिए किसान को, सोसाइटी से। खाद की ऐसी परेशानी, ऑनलाइन में 7-8 हज़ार की बोरी मिलती है, हमें यहाँ सब्सिडी में मिलती है 300 रुपये बोरी, तो ऐसे कैसे खरीदे, हमारे इतना पैसा भी नहीं। तो खेती का जो लागत है वो किस तरह से बढ़ेगा, आपको क्या नुकसान इसमें दिख रहा है? आपको नुकसान तो बहुत सारा दिख रहा था। किस तरह से? बहुत सारा दिख रहा है, जैसे कि हम बीज लाए तो 8,000 रुपये 8,000-9,000 रुपये कुंटल लाए, तो 1 बीघा में हमारे कम से कम 8-10 हज़ार रुपये खर्चा है। 8-10 हज़ार रुपये खर्चा है, तो उसमें 3 या 4 कुंटल, 3 कुंटल सोयन होती है हमारा, तो 3,000 की जाती है तो 9,000 रुपये सोयन होती है, उससे ज़्यादा खर्चा ही बढ़ रहा है हमारा। लेकिन आसानी से भी तो मिलेगा खाद आपको फिर ऑनलाइन में? आसानी से सर नहीं मिलता है, नहीं ऑनलाइन में तो आसानी से मिलेगा। ऑनलाइन में आसानी मिलता है, पर सर रेट ज़्यादा है ना उधर, 8,000 रुपये प्रति बोरी पड़ती है, तो कैसे खरीदे?
तो आपको सोसाइटी से किस तरह से मिलता है खाद? फिर सोसाइटी से खाद मिलता है जैसे अपने जमीन की पावती रखे हुई उनके ऊपर मिले तो वह जैसे अपने 10 बीघा को दे दो तो उनके ऊपर 2 के 3 ठिलते यूरिया देगा, 2-3 डीओ भी दे देगा, उन हिसाब से देगा। और कभी साई पड़ी तो फिर बाजार से खरीदो, वहां से नहीं देगा, पूर्ति नहीं हो पाती। हाँ, नहीं पूर्ति नहीं होती तो बाजार से ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, काला, हाँ काला बाजारी करनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह नाम है सर। बहादुर सिंह जी, आप कौन से गांव में रहते हैं? आवर। आवर, कितनी खेती है बहादुर सिंह जी आपके परिवार की? अपने परिवार की तो 100 बीघा है सर। 100 बीघा के आसपास है। बहादुर सिंह जी, आप तो बड़े किसान हैं, सारी चीजों को जानते हैं। अब ऑनलाइन में भी यूरिया खाद मिलने लगा है, तो आपको क्या दिक्कतें इससे होंगी यार, आपको क्या परेशानी आपकी इससे? सर ऑनलाइन में मिलेगा तो कैसे खेती करेंगे हम भाई? अभी मिल रहा था ऐसे भी सोसाइटी में मिल रहा था तो हम ले रहे थे, अभी दुकानें मिल रहा है इसमें तो काला बाजार में बेच रहे थे 500 रुपये ठेली, 700 रुपये ठेली। अभी ऑनलाइन में आ गया, हमने देखा मोबाइल पे ये 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो मिल रहा है, तो कैसी खेती करेंगे हम? क्यों, क्या दिक्कत क्या आएगी उससे, परेशानी क्या रहेगी? परेशानी परेशानी है कि अभी खर्चा कितना हो गया है, किस तरह का खर्च होता है आपकी खेती में? अभी हमने 10,000 रुपये क्विंटल से सोयाबीन ली, उसको बोई, अभी आधी भी नुकी, उसके बाद दवाई कितनी महंगी आ रही, कैसे क्या करेंगे हम मैनेजमेंट इसमें? तो ये सब जो लागत होती है आपका, बीज और दवाई और खाद, ये किस तरह कितनी लागत पहुंच जाती है एक बीघा में, कितना आपको मिल पाता है, क्या आपको जरूरत है? सर कुछ भी नहीं मिलता, अगर दवाई इतनी महंगी मिल रही है आपके, अब एक डोज पड़ रहा है अपन को जैसे बीघे के ऊपर, जो मान लो 1,500-2,000 रुपये का डोज मिल रहा है, अब अभी दवाई छिटकते हैं अपन ने 10 दिन बाद फिर दवाई छिटकनी पड़ रही है, इतनी पड़ रही है, फिर कैसे मैनेजमेंट होगा? तो फिर ये खाद जो ऑनलाइन मिलेगा, आप कह रहे हैं कि महंगा मिलेगा, तो इससे आपको और क्या परेशानी आएगी इसमें? हमको ऑनलाइन में चाहिए सर, हमको ये सोसाइटी मिल जाए, हमारा किसान का फर्ता यहाँ से पूरा हो जाए, यही सरकार से दिक्कत करते हैं हम। तो इसके ऑनलाइन मिलने से नुकसान क्या होगा आपको? अभी 150 रुपये किलो बता रहे हैं, 200 रुपये किलो बता रहे हैं, कैसे होगा हमारा फिर ये किसान का काम? तो इसकी आपकी क्या लागत बढ़ जाएगी इससे, क्या होगा? बहुत बढ़ेगी, कि मजदूरी के पैसे कितने बढ़ गए है, लागत बढ़ेगी कि? तो फिर जो आपको किस तरह के नुकसान अभी तक झेलने पड़े हैं खेती में, आप बता रहे थे कि खेती में तो अभी तक कुछ भी नहीं बचा है, ये तो खाली एक चल रही है अंदर, अभी दवाई कितनी महंगाई हो गई है, अभी तुम या मोबाइल देखा हमने ऑनलाइन पे खाद मिलेगा तो कैसे क्या होगा? तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? सोसाइटी में खाद मिले, हमारी पूर्ति सोसाइटी से हो जाए, यही सरकार चाहते हैं। अभी सोसाइटी से आप लोगों की पूर्ति हो पाती है? नहीं पाते, समय पे मिल पाता है खाद या पूरा मिल पाता है? क्या नहीं, पूरा नहीं मिल पा रहा है, वही पूरा भी नहीं मिल पा रहा है, अभी वहाँ भी भीड़ लगती है ना, आधा आ रहा है नहीं आया है, आखिरी एंड में फिर ये 2 नंबर खाद दुकान से लेके आते हैं, 700 रुपये ठेली ना, 800 रुपये ठेली, 40 किलो की बोरी होती है। तो ये इतना कालाबाजारी का इतना पैसा, 700-800 रुपये आपको ज्यादा लग जाता है? लगता है कि सर वो जो जैसे अपन गेहूँ को बहुत पानी पिलाते हैं उस टाइम पे, अगर जो सही टाइम पे अगर खाद नहीं देते तो गेहूँ होते ही नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि सोसाइटियों में ही सरकार इतना उपलब्ध करा दे कि आपको बाजार से नहीं लेना पड़े? बस हमको ये चाह रहा है कि सोसाइटी में इतना खाद आ जाए हमको बाजार से लेना नहीं पड़े। उस ऑनलाइन जो उपलब्धता है खाद की उस पे ऑनलाइन में तो कितने पैसे बता रहे हैं, जैसे 150 रुपये किलो, 190 रुपये किलो, ये कैसे होगा, ये कितने की ठेली पड़ेगी? ये क्या नाम है आपका? नरेंद्र गुप्ता। नरेंद्र गुप्ता जी, खाद का ऊपर। नरेंद्र गुप्ता जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब यूरिया खाद उपलब्ध होने लगा है, किस तरह का आप मानते हैं कि क्या नीति में परिवर्तन होना चाहिए या किस तरह का नुकसान आपको है? ये यूरिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा तो इससे जो है काफी महंगा रहेगा, हमारे व्यापार पे काफी नुकसान होगा और गवर्नमेंट को उसको तुरंत प्रतिबंध करना चाहिए। वैसे भी क्या है, निजी क्षेत्रों में यूरिया 10-20% मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में मिलता है, और अगर इसको पूरा ऑनलाइन कर देंगे तो किसानों को होगा और हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा, इसे तुरंत बंद किया जाए। तो अभी जो उपलब्धता होती है आपको यूरिया खाद की बेचने के लिए, कितना मिल पाता है, किस तरह से कंट्रोल होता है उसका गवर्नमेंट के ऊपर, और आगे क्या दिक्कत आएगी? यह आवश्यक वस्तु अधिनियम की वस्तु है, इसका कोटा गवर्नमेंट देती है, इसमें 75-80% सोसाइटियों में जाता है और 20% निजी क्षेत्रों में मिलता है, और उसमें भी भारी परेशानी आती है। उसको यदि गवर्नमेंट ऑनलाइन में परमिशन देगी तो किसानों को भी बहुत परेशानी आएगी और हम लोगों को भी बहुत परेशानी आएगी, और इतने महंगे रेट में नहीं खरीद पाएगी। तो बाजार में किस तरह का फर्क पड़ेगा इस पे? बाजार में बिल्कुल मार्केट चौपट हो जाएगा और खाद के व्यापारी का बिजनेस पूरी तरह खत्म हो जाएगा, इस पर तुरंत रोक लगाने की शासन को कार्रवाई करना चाहिए।
आप क्या चाहते हैं इसमें, इसमें किस तरह का सुधार होना चाहिए इस व्यवस्था में, खाद की उपलब्धता में? उपलब्ध खाद की उपलब्धता किसानों को समय समय पर पूरी तरह मिलती रहे और निर्धारित दर पर ही मिले, शासन इसको पूरी तरह उपलब्ध करवाए। और जो ऑनलाइन इसको गवर्नमेंट ने अगर परमिशन देकर चालू किया है तो इसे तुरंत बंद कराया जाए, व्यापारियों के हित में नहीं है। व्यापारियों को उपलब्धता की जो दिक्कत आती है अभी निजी क्षेत्र में जो कम कंट्रोल किया हुआ है, अगर वो सब्सिडी सीधा व्यापारियों को मिलना चाहिए या किस तरह से आपको चाहिए? अभी सब्सिडी का प्रावधान गवर्नमेंट का है कि कंपनियों के खाते में जाती है, और शासन का जो मंशा चल रही है आने वाले समय में किसानों के खाते में ही जाएगी, वो पॉलिसी फिर भी अच्छी है। पर ये ऑनलाइन का जो सुनने में आ रहा है तो बहुत ही गलत और आगे भविष्य के लिए बहुत खराब है। आगरमालवा से जावेद खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।